हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआईसी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल कंप्यूटिंग। व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग? तो अगर हम मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करें, मोबाइल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो वर्क हम लोग मोबाइल पे कर रहे हैं वो मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाता है। और मोबाइल कंप्यूटिंग किस टाइप की प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है? वायरलेस नेटवर्क। ठीक, इसमें तीन चीज़ें मुख्य कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। पहला होता है मोबाइल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है मोबाइल हार्डवेयर, और थर्ड होता है मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो हम देखते हैं वन बाय वन। पहले अगर हम बात करें मोबाइल कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, है ना। अगर हम वायरलेस डिवाइस के थ्रू किसी और व्यक्ति से या किसी और जगह पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है? प्रोटोकॉल्स आते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? नियम का समूह होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है जब कोई भी कार्य करना होता है तब। नेक्स्ट इसमें आता है सर्विसेज, फिर आती है इसकी स्पीड, फिर आते हैं पोर्टल्स। ये क्या करते हैं? डिवाइस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये मोबाइल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें सिग्नल्स की सेंडिंग तथा रिसीविंग किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोबाइल हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो जो मोबाइल डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फोन्स, वो क्या है? मोबाइल हार्डवेयर है, है ना, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं कहीं पे भी। इसमें हम पर्सनल डेटा को जो है डिजिटल रूप में उसको सेव करके रख सकते हैं। ये फुल डुप्लेक्स होता है, मीन्स आप इसमें क्या करोगे, किसी से बात करोगे तो आपको सामने से भी आवाज़ आएगी, मीन्स बाय डायरेक्शनल इसमें बात हो जाती है। थर्ड अगर हम बात करें मोबाइल सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशंस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? उसका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। या उसमें जो हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, वॉइस रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं, वाईफाई का यूज़ करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। मीन्स मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन मीन्स जब दो तरफ कम्युनिकेशन करना है, या दो से ज़्यादा लोगों से हमें बात करना है, या कुछ डिसीजन लेना है, तो उस टाइम वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। हार्डवेयर मीन्स डिवाइसेस होती है, मोबाइल डिवाइस, और सॉफ्टवेयर मीन्स जो मोबाइल डिवाइस के अंदर हम लोग एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब हम बात करें प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, इसके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहले हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है जो डिवाइस एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से मूव कर सके, उसको क्या कहा जाता है? पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी, जब कोई डिवाइस किसी नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो वो कनेक्टिविटी कहलाती है, और वो उसका जो टाइमिंग होता है कनेक्शन का, वो कनेक्टिविटी होती है। थर्ड अगर हम बात करें सोशल इंटरेक्टिविटी, इसका मतलब होता है एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करती है तो वो सोशल इंटरेक्टिविटी होती है, है ना। और लास्ट होता है इंडिविजुअलिटी, जब एक डिवाइस किसी नेटवर्क से अपने संदेश को भेज रही है, शेयर कर रही है, तो वो इंडिविजुअलिटी होती है। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग की, तो मोबाइल से तो वैसे काफ़ी लाभ है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखें लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है जो यूज़र कहीं से भी कितनी भी दूरी से कार्य कर सकता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको किसी एक स्टेट में काम करना है तो उसे सेम स्टेट में हो, वो दूसरी जगह बैठ कर भी वहाँ का काम कर सकता है। नेक्स्ट है सेव टाइम। मीन्स आप जब मोबाइल से काम कर रहे हो तो आप टाइम कम दे रहे हो, कम समय में काम ज़्यादा कर पा रहे हो। नेक्स्ट है इन्हेंस्ड प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। यूज़र अपनी मनचाही जगह से इसका यूज़ कर सकता है। किसी भी कंपनीज में क्लाइंट तथा कंपनी के कर्मचारी मोबाइल का यूज़ करते हैं और अपना कार्य ख़त्म कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है आप एक ही कंट्री में हो या एक ही शहर में हो, आप अलग अलग शहर में बैठ के भी अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कंपनीज के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका एंटरटेनमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम बात करें मोबाइल डिवाइस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं मोबाइल में, मूवीज़ देखते हैं, गेम देखते हैं, सोशल साइट्स का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? इंटरटेनमेंट के अंदर।
नेक्स्ट है ईज ऑफ रिसर्च, है ना। इसमें हम गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का यूज़ करके किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज के बारे में सर्च कर सकते हैं घर बैठे कहीं भी आसानी से। नेक्स्ट है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नई प्रोसेस है जो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है आजकल। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो डेटाज होते हैं ये ऑनलाइन स्टोर किए जाते हैं। मीन्स आपको अगर आपका डेटा है वो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव कर रहे हो तो आपको हर जगह पेन ड्राइव या सीडी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक आईडी क्रिएट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में और उस क्लाउड कंप्यूटिंग की आईडी को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें सोशल एंगेजमेंट। अभी हमने बात की है कि हम जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ किस में आएगी, सोशल एंगेजमेंट में। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, है ना, क्योंकि अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सबसे पहले इसकी सुरक्षा, ठीक है, ये सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है। अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, आपकी जो चैटिंग्स वगैरह है, ये सारी क्या हो जाएगी, हैक हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन। इन डिवाइस के द्वारा एक तरफ तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती जा रही है। यूज़र अपने काम के समय भी इसका क्या कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है। काम चल रहा है, जो मेन काम है उसको छोड़ के मोबाइल पे पूरा ध्यान लगा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसके काम में कमी आ रही है, जो उसका मेन काम है उसमें कमी आ रही है। और गाड़ी चलाते वक्त भी फ़ोन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर कंजप्शन की, तो जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसको चार्ज पर लगाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी, ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा नेटवर्क फुल मिले। कई बार ये होता है कि आपके फ़ोन में 4G का नेटवर्क फुल बताता है, परंतु जब आप इसकी स्पीड की बात करो तो काफ़ी स्लो हमारा नेट चलता है, वो इसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट। नई टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस है, इसलिए ये क्या हो रहा है, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। मीन्स अभी जो नए डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें नई चीज़ें जोड़ के अपडेट करके फीचर्स दे के क्या हो रहा है, वो चीज़ कॉस्टली होती जा रही है। नेक्स्ट मोबाइल डिवाइस की डिस्प्ले स्क्रीन बहुत छोटी होती है ना, जो हम लोग टीवी का, अगर हम टीवी में कोई मूवी देखेंगे, अगर वही मूवी हम मोबाइल में देखेंगे तो हमको स्क्रीन छोटी मिलेगी। लास्ट है हम फोन्स को हमेशा साथ ले जाते हैं तो चोरी होने का भी खतरा रहता है ना, जिससे क्या होगा, जो हमारी फोटोज़ वगैरह, हमारी इमेज वगैरह है वो भी चली जाएगी। अब हमारा नया टॉपिक है सेलुलर ट्रांसमिशंस। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। तो मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में सब जानते हैं, मोबाइल टावर्स भी सब लोगों ने देखे होंगे कि एक एरिया में एक जो टावर लगा होता है वो कुछ लिमिटेड एरिया तक अपने सिग्नल्स को देता है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्चुअली सेल्स कहलाते हैं। तो अलग अलग जगह पे, जैसे मतलब हमारे एक शहर का अलग टावर है और मुंबई का अलग टावर है, तो ये क्या है, सेल्स है एक्चुअली एक। तो अगर हम बात करें सेलुलर ट्रांसमिशन क्या है, तो ये क्या होता है, एक नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क है जो लैंड एरियाज पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको सेल्स के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सेल जो होती है वो फिक्स्ड लोकेशन पे अपने जो सिग्नल से उसको ट्रांसफर करती है, जिससे हमारे मोबाइल्स में नेटवर्क्स आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। अच्छा, हमारे जो फोन की अगर हम बात करें तो हम फ़ोन पे कॉल करते हैं तो वो कॉल की डिटेल्स कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होती है, जो इनके कभी हमको अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसकी डिटेलिंग निकलवा सकते हैं। तो वो चीज़ें स्टोर कहाँ होती है, MTSO में, मींस मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस में ये चीज़ें क्या होती है, सेव होती है MTSO में। हमारे जो फ़ोन यूज़र है उसके सारे सिग्नल्स को ट्रैक किया जाता है, अगर इनकेस हमारा मोबाइल चोरी हो गया है तो हम MTSO की हेल्प से हमारे मोबाइल को ट्रैक करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।